स्टार्टिंग विद द ब्रेकफास्ट, मुस्तफ़ा के लिए आज मैंने सागुदाना बनाया था, फिर उसमें मैंने एक सेब छील के डाल दिया और उसको मैं ब्लेंड करके एप्पल प्यूरी बना लूँगी। दूसरी तरफ मैंने अपने लिए कावा चढ़ा दिया था, मैंने कहा जितनी देर में ये बनेगा उतनी देर में प्यूरी बन जाएगी और दोनों चीज़ें इकट्ठी रेडी हो जाएंगी। अच्छा, ये सागुदाना बनाना बड़ा सिंपल है, आप पहले उसको थोड़ी देर भिगो दें, नहीं तो उसको पानी में डाल के पका लें और एंड में थोड़ा सा दूध डालें, लेकिन मैंने इस बार दूध नहीं डाला, मैंने सिर्फ सागुदाना पानी में बनाने के बाद डायरेक्ट उसमें सेब डाल के उसको ब्लेंड कर लिया। यहाँ मैंने कावा चढ़ाया था तकरीबन एक कप और जब वो आधा रह गया तब मैंने उसको छान लिया और जितने भी ये सारे उसके अंदर मसाले वगैरह है ना, ये साथ इस समेत ही मैंने जो है ना पी लेना है इसको, क्योंकि वो सारे एंड में नीचे बैठ जाएंगे तो उसकी कोई मिसा मसला नहीं। फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी थी। ब्रेकफास्ट में ना यार आजकल ना मैं ये खा रही हूँ एप्पल, ओट्स और दूध, मतलब ये इतना हेल्दी है। हेल्दी होने के साथ साथ यार ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छा है और अगर इसके अंदर आप चिया सीड्स डाल लें तो बस। अब मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ओट्स के डाले हैं, तकरीबन 1 कप के बराबर मैं इसमें दूध डालूंगी। बाकी चिया सीड्स वगैरह मैंने दराज से मंगवाए हैं, वो जैसे मुझे रिसीव हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को सबके साथ शेयर करूंगी रिजल्ट भी। और भी मैंने दराज से बहुत सारी शॉपिंग की है, मैंने एक बेल्ट मंगवाई है, फेस बेल्ट, वो भी बहुत अच्छी निकली है, उसके रिजल्ट्स भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद नाश्ता वगैरह करके हम अपना थोड़ा काम वगैरह करेंगे, थोड़ी स्किन केयर करेंगे, कपड़े वगैरह भी मेरा चेंज करने का मूड नहीं है और नाश्ते से फारिग होकर अब दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। आज मैंने सोचा यार यखनी पुलाव बनाते हैं, यखनी पुलाव मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत मजे का बनाती हूँ। तो उसके लिए आपने कुकर में ऑब्वियसली गोश्त डालना है, पानी डालना है, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे साबुत मसाले, मतलब सारे के सारे। इसमें मैंने तेज पत्ता, बदानिया के फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, साबुत धनिया, साबुत जीरा और सौंफ, ये मैं बहुत सारी डालती हूँ। ये मैं तकरीबन 2 बड़ी चमचे भर भर के डालती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाता है। बाकी इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल के और एक चम्मच तकरीबन ऑयल का डाल के आपने कुकर बंद करके रख देना है और मैं साथ ही टाइमर लगा देती हूँ 45 मिनट्स का। अच्छा, वो टाइमर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि अक्सर ऐसे होता है क्योंकि ऑब्वियसली बेबी के साथ आप बिजी हो जाते हो, आपके जहन से निकल जाता है, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। जैसे ही टाइमर बजे फौरन आपने चूल्हा बंद कर देना है। अच्छा, अब क्योंकि मुझे यखनी पुलाव बहुत ज्यादा पसंद है तो मैंने एक बड़े से बॉक्स के अंदर सारे के सारे साबुत मसाले रखे हुए हैं, तो मैं जब भी यखनी बनाती हूँ तो मैं सारे उसमें से निकालती हूँ, तो मुझे कोई भूलता भी नहीं है और वो बड़ा इजी एक्सेसिबल भी है। अच्छा, एवं लोगों को लगता है कि यार पता नहीं यखनी पुलाव बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता। आपने सिंपल एक दफा यखनी चढ़ा देनी है, वो 45 मिनट आप अपने इधर उधर घूम फिर के काम पूरे कर लें, गोश्त गल जाएगा। फिर दूसरी तरफ आपने प्याज ब्राउन कर लेने हैं, उसके बाद यखनी के अंदर से गोश्त निकाल के उनको प्याजों में डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और उनको अच्छे से फ्राई कर लें। वो कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लेता क्योंकि ऑब्वियसली गोश्त ऑलरेडी गला हुआ होता है, साथ साथ आप अपने बाकी सारे स्पाइसेस डाल दें। अब मैं क्योंकि यखनी के अंदर मैं सारे साबुत मसाले डालती हूँ, तो मैं पुलाव के अंदर, चावलों के अंदर कोई भी साबुत मसाला नहीं डालती, मैं सारे पिसे हुए मसाले यूज करती हूँ। अच्छा, क्योंकि यखनी में हमने नमक डाला हुआ है तो बाद में जो हमने नमक डालना है ना, वो जरा ध्यान से डालना है कि तेज ना हो। यहाँ पे मैंने ऐड किया नमक, काली मिर्च और साथ थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। साथ ही यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, इससे बड़ा मजे का टेस्ट आता है क्योंकि ऑब्वियसली हमने चावल फीके तो नहीं रखने। सारे स्पाइसेस में जो सबसे मेरा फेवरेट है ना, वो धनिया जीरा पाउडर, मुझे इतना पसंद है कि अगर सारे मसाले में एक एक चम्मच डालती हूँ ना, तो ये मैंने भर के 2 चम्मच डालने हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और साथ ही हमने यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, वो मैंने ज्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा ही डाला है। इस फिर आपने गोश्त को भून लेना है, जैसे ऑयल मतलब पानी सूख जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो इट मीन्स गोश्त आपका भुना गया अच्छी तरह। यहाँ पे बैठे बैठे आपको ऐसे चिल पड़ रहा होता है कि नहीं थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए, तो मैंने बिल्कुल हल्की सी लाल मिर्च डाली और साथ हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है। मेरे पास हरी मिर्चें पेस्ट में बनी हुई पड़ी हुई थी तो मैंने वो डाली है, अदरवाइज आपके पास साबुत भी है तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैं कोई टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालती, बस अब मैं इसमें एंड में दही डालूंगी। दही का जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा और दही को मतलब अच्छी तरह पहले भून लेंगे ताकि वो ड्राई हो जाए दोबारा से। अच्छा, ये बात मुझे भी नहीं पहले पता थी, लेकिन अब मुझे विद एक्सपीरियंस समझ में आई है कि आप पहले गोश्त को अच्छी तरह भून लेते हो, जब गोश्त का पानी खुश्क हो जाता होता है तब आप दही ऐड करते हो, दही को भी अच्छी तरह पहले आपने मतलब हिला के भून लेते होते हैं, जब उसका भी सारा पानी खुश्क हो जाए तो इट मीन्स कि हाँ अब आपका मसाला तैयार है। इस पर दूसरी तरफ जो हमने यखनी बनाई हुई थी उसी को मैं डायरेक्ट स्ट्रेन कर लूंगी। ना लोग ऐसे भी करते हैं कि पोटली में सारे मसाले डाल के डाल दी और एंड में डायरेक्ट पोटली निकाल के फेंक दी, लेकिन मुझे जो है ना पता नहीं कि वो मुश्किल लगता है, मैं कहती हूँ ये छानने में कितना टाइम लगता है। सब कुछ हमने इसलिए नहीं साथ डाल देना होता क्योंकि वरना फिर चावल बंदा छानता ही रह जाएगा, ऐसे चावल निकाल दो बीच में से। बस फिर हमने यखनी डाल देनी है, साथ पानी ऐड कर देना है और फिर जैसे ही पानी को बॉयल आ जाएगा तो फिर हमने चावल वगैरह ऐड कर देना है। चावल इतने मजे के बनते हैं, इतना मजे का पुलाव बनता है कि सच में मेरी अम्मा का ये फेवरेट है, वो जब भी आती है ना, आज भी वो आ रही थी तो मैंने स्पेशल सिर्फ उनके लिए जो है ना वो पुलाव बनाया। इतना जूसी बनता है और सौंफ से तो इतनी खूबसूरत सी खुशबू आ रही होती है, सच में मतलब मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि यार ये बहुत मजे का बनता है। मैं सारा काम कर सकती हूँ लेकिन मैं जो है ना, फिर मेरे से सलाद वगैरह कोई नहीं बनता, तो मैं बस डायरेक्ट प्याज वगैरह काट के डायरेक्ट दही में ही डाल देती हूँ ना, तो बस वो रायता एक ही तरह से टपका देते हैं। तो हमारे ऑलमोस्ट गलने वाले हैं, मैं इसको दम लगा दूंगी एंड द फूड इज रेडी। हमारे घर जब भी गोश्त आता है ना तो मैं सबको बोलती हूँ कि यार सालन किसी ने नहीं बनाना, मैं पुलाव बनाऊंगी बस, बेशक मटन हो या बीफ, दोनों से ये बहुत ही मजे का बनता है। चले जी, खाना शाना खा लिया, सारे काम शाम खत्म हो गए, अब हम तसल्ली से तैयार श्यार होके रेडी
भी हो सकते हैं. टाइम टू चेंज माई ड्रेस. ये ड्रेस मैंने एथनिक से लिया था, टू पीस. और अब तक मैंने जितने परफ्यूम्स ट्राई किए ना, उनमें सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट परफ्यूम है माइकल कॉर्स का एक्जॉटिक ब्लॉसम, ये वाला. आई एम नॉट श्योर आपको पाकिस्तान में कहाँ से मिलेगा. ऑस्ट्रेलिया में भी मुझे ये बहुत मुश्किल से मिला था. ऑनलाइन स्टोर मतलब स्टोर्स पे तो अवेलेबल ही नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था. उसके बाद हम लोग गए कुछ शॉपिंग वगैरह करने. लुलुसर बड़े अरसे से खुला हुआ मुल्तान में, तो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था. तो आई थॉट यार लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्योंकि मैं जब गर्मियों में लुलुसर पे गई ना, तो एक भी लॉन का सूट नहीं था, सारे रेशमी सूट. तो मैंने कहा यार ये पता नहीं कौन लोग पहनते हैं, लाइक मुल्तान के तो मौसम फ्रेंडली है ही नहीं है बिल्कुल, वेदर फ्रेंडली आई मीन. तो आई ट्राइड आउट अ फ्यू ड्रेसेस जो देखने में मतलब आपको इस तरह इतने मजे के नहीं लग रहे होते, लेकिन व्हेन यू वेयर इट आउट इट लिटरली लुक्स सो गुड. डिजाइन्स आर गुड, द फैब्रिक बिल्कुल रेशमी फैब्रिक है, मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल मौसम में चलेंगे, क्योंकि मोस्टली कपड़े सिल्क में. अब ना आप सिल्क बहुत ज्यादा गर्मियों में पहन सकते हो, ना बहुत ज्यादा सर्दियों में पहन सकते हो, तो मतलब बिल्कुल अक्टूबर नवंबर में पहनने वाले कपड़े हैं. फिर भी ये मुझे बड़े मजे के लग रहे थे ना ये गाउन स्टाइल में, मैंने कहा यार ये लेके जाऊंगी साथ. और ऊपर से इनके पास सिर्फ दो ट्राई रूम्स हैं, और वो भी इतना रश था कि मतलब इतनी मुश्किल से जगह मिल रही थी. ये सूट मेरी अम्मा को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, वो मुझे कह रही थी ये लो, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं यार मजा नहीं करा रहा. और जो इसके बाद मैंने एक मस्टर्ड कलर का पहना, लाइक ऐसे ब्राउन मस्टर्ड, पता नहीं कौन सा शेड है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. मैंने तीन सूट सिलेक्ट करके साइड पे किए, मैंने कहा ये मैंने लेने हैं. बिल वगैरह करवा के जब मैं शॉप से बाहर निकलने लगी, तो वो दूसरा सूट मेरे पास उठा के ले कहती ये तो हम देना ही भूल गए आपको. अब मैंने कहा मैं उस टाइम मुझे बिल सुन के एकदम इतना शॉक लगा हुआ था कि मैंने कहा रहने दो. उनकी जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये कि यार आपको पूरा पेयर नहीं मिलता, शर्ट अलग परचेज करो, इनर अलग परचेज करो, ऊपर दुपट्टा अलग से परचेज करो, और जब आप टोटल सूट की कॉस्ट लगाते हो तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है. तो खैर उसके बाद शंग्रीला से हमने कोन खाई, और मैंने उसको बोला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चॉकलेट चाहिए मुझे. डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एज वेल. आजकल मैं रोजाना रात को वर्कआउट करती हूँ, एंड वी आर डूइंग अ स्किन केयर चैलेंज एज वेल, सो यू कैन जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम. बाकी यार दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. बाय.